रमज़ान का महीना आने वाला है, इंशाल्लाह मैं सब रोज़े रखूँगा और खूब अल्लाह ताला की इबादत करूँगा और बहुत सी नेकियां कमाऊँगा। हाँ, रोज़े से याद आया, इंशाल्लाह ईद के दिन अपने दोस्तों को घर में बुलाऊँगा दावत के लिए। मैं उनके लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाऊँगा और बहुत मज़ा होगा। ईशान मेरे दोस्त, ये क्या सोच रहे हो? ये तो बहुत ज़्यादा करोगे अपने दोस्तों के साथ और मेरे साथ भी। ईशान तुमने ऐसे नहीं करना है। ईशान चांद रात वाले दिन अपने दोस्तों को इनवाइट करना और सबको बोलना ईद वाले दिन रोज़ा रखे। मेरा भी ईद वाले दिन रोज़ा होगा। ईशान मेरे दोस्त, तुमने मेरी बात माननी है, तुमने मेरी बात माननी है। ईशान ईशान मैं भी ईद वाले दिन रोज़ा रखूँगा, तुम भी रखना और अपने दोस्तों को भी बोलना, और फिर एक साथ अफ्तारी करेंगे, मिलकर अफ्तारी करेंगे। ईशान मिलकर अफ्तारी करेंगे। ईशान मेरी बात मानना। ईशान तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी बात मानोगे। ईशान ईद के दिन रोज़ा, क्या ईद के दिन रोज़ा होता है? हाँ ईशान होता है ईद वाले दिन रोज़ा, मेरा भी रोज़ा होगा। तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम भी रोज़ा रखना और अपने सब दोस्तों को बोलना ईद वाले दिन रोज़ा रखे। ईशान तुमने मेरी बात माननी है। जितना मुझे पता है ईद के दिन तो रोज़ा नहीं होता, ईद के दिन तो शैतान का रोज़ा होता है। हाँ ईशान तुम सही कह रहे हो, ईद वाले दिन मेरा भी रोज़ा होगा, तुम भी रोज़ा रखना, अपने दोस्तों को भी बोलना, इसका बहुत ज़्यादा स्वाब होता है। ईशान बहुत ज़्यादा स्वाब होता है। ईशान तुम रोज़ा रखना और अपने दोस्तों को भी बोलना। ईशान ईशान तुमने पूरा महीना रोज़ा रखे हैं और इसका स्वाब बहुत ज़्यादा है। ईद वाले दिन रोज़े का स्वाब बहुत ज़्यादा होता है, तुम ये भी रोज़ा रख लो, कुछ नहीं होता, मेरी बात मान लो। ईशान मुझे लग रहा है ये शैतान के वास्ते से, ईद के दिन तो कोई रोज़ा नहीं होता। मुझे लग रहा है ये शैतान मेरे दिल में वास्ते डाल रहा है, ये शैतान को भी मैं मज़े चकाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं तो ईद के दिन रोज़ा नहीं रखूँगा, ईद के दिन रोज़ा रखना सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन आज की इस वीडियो का मैसेज ये है कि ईद के दिन रोज़ा मत रखें, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना सही नहीं है। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।